तवे आई नए जमाल पर्दा करे कोई के न पर्दा करे कोई मुझे सर से इस्तेलान तसव्वुफ कहते हैं। जिन लोगों को तसव्वुफ नहीं समझ में आता उनके लिए ये तसव्वुफ है, उनके लिए ये तसव्वुफ है। वरना तसव्वुफ का मामला ये है, समझ जाता हूं लेकिन मुझसे समझाया नहीं जाता। ये समझने की चीज है, समझाने के लिए। जैसे आपको पाता नहीं, आपको पाता नहीं, जब आपको पाता कहते हैं वो तसव्वुफ के जो स्कॉलर हैं। देखिए अब तसव्वुफ में भी स्कॉलर हो गए, वरना सूफी होता था जो समझता था समझा नहीं पाता। आपको पाता नहीं, जब आपको पाता हूं मैं, दोनों आप हैं, जब मैं अपने आप हूं तो आप हैं। आपको पाता नहीं, नेक्स्ट स्टेप क्या है? हुजूर आपको पाता नहीं, जब आपको पाता हूं मैं। आप मुझे सर से कली बला हुआ मोरी गगरी।
کر سبیرا کبیرا ہو حضرت علم وہ چیز ہے وہ شے ہے کہ جو مسلسل بڑھتا ہے ہر قدم کے اوپر ایک نیا مرحلہ نظر آتا ہے کبیر داس یہیں تک تھے چلتی چاکی دیکھ کر سو دیا کبیرہ روئے دو پاٹن کے بیچ آ ثابت بچا نہ کوئے چکی کا یہ اصول ہے کہ جو دانا چکی کے بیچ میں آ جاتا ہے اس پاٹ کے بیچ میں وہ پستا ضرور ہے وہ پسے بغیر رہ نہیں سکتا یہ ہے مقام مقام فنا کبیر داس کے بیٹے وہ باپ سے دو قدم آگے تھے تو انہوں نے باپ سے سنا کہ چلتی چاکی دیکھ کر سو دیا کبیرہ روئے دو پاٹن کے بیچ آ ثابت بچا نہ کوئے تو اس نے کہا کہ میاں ابا سنو تم کہاں چکی میں کہاں پھنسے ہوئے ہو چاکی چاکی سب کہیں چاکی چاکی سب کہیں اب کی کہیں نہ کوئی چاکی چاکی اللہ 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 مولا 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 رام 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 دل میں خالی دل کچھ نہیں ہے اندر کچھ نہیں ہے تو کہتی ہے مالا مالا کہے ہے کاٹ کی مالا کہے ہے کاٹ کی ارے تو کافے رکھو مالا کہے ہے کاٹ کی من کا پھیر دے ہو قرت میں
एक बुजुर्ग अपने मकान के चौबारे पर, उनका मकान बीच बाजार में था जहाँ पर सामान वामान बिकता है, तो वो वहाँ पर खड़े हुए तस्बीह में पढ़ रहे थे। फकीर थे, दरवेश थे। नीचे मकान के नीचे वो उस जमाने की औरतें कोई मछली बेच रही है, कोई सब्जी बेच रही है, कोई तरकारी बेच रही है, तो ऊपर से वो नज़ारा कर रहे। एक औरत अपने पैसे गिन रही थी और उसने अपनी बराबर वाली औरत से पूछा, जो उन लोगों की जबान होती है गालम गलोच की, उसको तो कदम हटा रहा हूँ, तो समझ जाइए। तो वो पूछती है, वो अपनी सहेली से पूछती है कि अरे, वो कहती है अरे हरामजादी, तो वो कहती है कि मैंने 14 रुपए का सामान बेचा था, 14 रुपए का सामान बेचा था, मुझे पौने 13.25 रुपए का तो मुझे हिसाब याद आ रहा है, एक अठन्नी मेरी जो है वो कम हो गई है, तू भी मेरे साथ थी, बता मेरी वो अठन्नी कहाँ गई। तो उसने तमाम कह के 2 रुपए का उसको दिया, 4 रुपए का उसने खरीदा, ये खरीदा वो, आप फिर वो 13.5 रुपए पर आके अटक गई, कहती मेरी अठन्नी नहीं मिल रही। तो उसने बराबर वाली ने उसको याद दिलाया उसी जबान में उससे कहा कि अरे वो तूने जो अठन्नी अपने यार को दी वो भूल गई, अठन्नी जो तूने अपने यार को दी वो भूल गई। तो वो भूलने वाली कहती है अरे यार को जो दिया उसको क्या गिनना, अरे उन्होंने तस्बीह तोड़ी और कूद गए। माला कहे है काट की, माला कहे है काट की, के तू का फेर तोड़े, माला काट की, के तू का फेर तोड़े, अरे मन कान का फेर दे सो तुरंत मिला तू तो, भला हुआ मोरी माला टूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी, राम भजन से झूठी मन सबसे नहीं भला। ओ फरुख भाई, कबीरदास कहते हैं कि चलती चाकी देखकर सतिया कबीरा रोए, चलती चाकी देखकर सतिया कबीरा रोए, चलती चाकी देखकर सतिया कबीरा रोए, दो पाटन के पीछिया, दो पाटन के पीछिया साबत बचा रखो, दो पाटन के पीछिया साबत बचा रखो। इतने बेटे कहते हैं चाकी चाकी सब कहे, चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न को, चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न को, और जो कीली से लाग रहे मकबाल नबी का हो, जो कीली से लाग रहे मकबाल नबी का हो। कबीरदास अपने बेटे के लिए फरमाते हैं कि आधे भगत कबीर हैं और पूरे भगत कमाल। बेटे का नाम कमाल था, कमाल दास। वो कहते हैं आधे भगत कबीर हैं पूरे भगत, वो जो है पूरा भगत है। वाकया ये हुआ, कबीर दास वो किसी मंदिर वंदिर की पूजा की ड्यूटी थी उनकी, तो एक मर्तबा उनको अपने किसी जाती काम से गांव से बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने बेटे की ड्यूटी लगाई कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ, 2-4 दिन में आ जाऊँगा, और तुम इस तरह देवी जी को नहलाना, स्नान करना और भोजन करना, भोजन कराना, और उनके भोजन के बाद तुम भोजन कराना, इतनी ड्यूटी है तुम्हारी। जब देवी का भोजन करा लो, यानी देवी को जब नाश्ता करा दो उसके बाद तुम खाना पीना। कमाल दास से वादा कर लिया कि अबू जी मैं ऐसे ही करूँगा। जब वो अब्बा चले गए तो ये वो खाने की प्लेट लेकर
भोजन की प्लेट लेकर अंदर गए मंदिर में, सफाई वफाई करी और देवी जी के सामने जाके खड़े हो गए, देवी जी खा लो। देवी के सामने खड़े हो गए, देवी जी खा लो। अब देवी तो बैठी हुई है, वो उसने क्या हिलना है। अब्बा से वादा किया था कि जब तक देवी का भोजन ना करा लेना तुम भोजन ना करना। अच्छा, उनका अंदाज ये होता है कि वो पूरी लगाई, उसको मुँह का लगा दिया, तरकारी लगाई, तो देवी का भोजन हो गया। ये इनकी समझ में नहीं आया, वो लेके खड़े हुए, देवी जी भोजन कर लो, घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, अरे कर लो। और होते 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 सारा दिन बीत गया, दूसरा दिन आ गया, बेचारे कमालदास भूखे, फिर जाके आपको सफाई वफाई करी, करे देवी जी भोजन कर लो, देवी बैठी हुई है। तीसरे दिन उनको आया गुस्सा और जाके उन्होंने कहा, ओए देवी कर रही है नहीं कर रही है, या लू चप्पल, और चप्पल लेके वो दे मार, उन्होंने वो पत्थर की मूर्ति को मारना शुरू किया, और पत्थर की मूर्ति को मारना शुरू किया। उधर से कबीर दास झांक रहे थे, वो वापस आ गए थे, तो कबीर दास ने वहां से झांका कि बेटा कर क्या रहा है, तो देखा कि वो देवी, पत्थर की देवी बैठी हुई भोजन कर रही है उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तूने क्या किया, करेंगे अब्बा जी कोई बात नहीं, दो दिन तक तो उसने नखरे किए, तीसरे दिन सीधी हो गई। जोकीली से लाग रहे, हद जपे सो आलिया और बेहद जपे सुखी।